हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी ना मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और अभी बच्चे जाएंगे स्कूल, तो सुबह सुबह अभी मैं उनके लिए नाश्ता लंच ये बना रही हूँ। तो आज ना मैं ये वाले हरे वाले जो मटर है जिसको मैंने बॉईल कर लिया, ये वाले मैं छोले बनाऊँगी। और आलू बॉईल हो रहा है और आटा भी मैंने अभी गूंदना है, तो आलू और मटर की सब्जी बनाऊँगी। तो ये है, और ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा है बाहर ना, बहुत ज़्यादा जो है कुआंसे बैठे हुए हैं। यहाँ से थोड़ा सा दूरी वाला जो है कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना कुआंसे बैठे हुए हैं और कानों में बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो मैंने अभी इसको ओढ़ लिया है इस तरीके से। तो हम लोग ना आए थे रिलायंस मॉल में। तो हम लोग जैसे कि मार्केट आते रहते हैं, तो मार्केट में ना ये मॉल मैं हमेशा देखती थी। मैं सोचती थी एक दिन जाऊंगी, तो इतना दिनों तक मैं नहीं आई थी। तो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे देख रही थी मैं सामान, मतलब जैसे कि वही घर के सामान। और यहाँ पे देख रही थी मैं ड्रैगन फ्रूट्स और फल वगैरह काफ़ी सारे रखे हुए थे। और ये ड्रैगन फ्रूट वैसे मैं देखी हूँ पर इसको मैं खाई नहीं हूँ, मतलब हम लोग नहीं खाए हैं इसको। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फल और जैसे कि सामान वगैरह रखा हुआ है, सब्जी वगैरह भी रखा हुआ था। तो हर मतलब मार्केट से, जैसे लोकल मार्केट से हम लोग लेते हैं ना फल वल, तो उससे 2-4 रुपये, मतलब 5-10 रुपये ज़्यादा ही यहाँ पे रेट लिखा हुआ था। मतलब जैसे कि ये मॉल है ना, तो यहाँ पे सारे चीज़ यहाँ पे रखा हुआ है और सारा सामान मिल जाता है यहाँ पे। अभी मैं देख रही थी सारा चीज़, प्राइस देख रही थी, और मतलब डुगू भी था, और मतलब हम लोग आए थे, ये भी आए थे, 3 जने आए थे। और यहाँ पे सारा कुछ अभी मैं देख देख के रख दे रही थी। तो यहाँ से सामान भी हम लोग लेते हैं, जो जैसे कि आटा दाल वगैरह ये सारे चीज़ें अभी हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं सब्जी वगैरह भी रखा हुआ है, और इन सब में भी प्राइस ज़्यादा लगा हम लोग को, तो देख रही थी मैं। और यहाँ पे केला जो है लिखा हुआ था, तो केजी के हिसाब से यहाँ पे मिल रहा था। और मतलब बाहर ना हमारे इधर वही 30-40 के करीब एक दर्जन केला हमारे यहाँ मिल जाता है। तो हम लोग जैसे लोकल मार्केट से जो जो सामान लेते हैं ना, तो वहाँ से ज़्यादा ही प्राइस हम लोग को यहाँ पे लगा। और थोड़े बहुत सामान अभी हम लोग लिए हैं यहाँ पे घूमे, इसके ऊपर जो है फिर कपड़ों वगैरह का भी है। मतलब यहाँ पे जो सामान मिल रहा था ना, तो अमेजोन के टक्कर का मिल रहा था, जैसे अमेजोन में सामान मिलता है ना, तो वैसे ही मिल रहा था। तो कोई नहीं, यहाँ पे फिर भी काफ़ी लोग, यहाँ पे भीड़ रहता है तो लेने वाले लेते ही हैं मॉल में, मतलब यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाता है। तो हम लोग तो वैसे ही लोकल मार्केट से सारा सामान ही ले लेते हैं। जैसे हम लोग के घर के पास है जो घर के ग्रोसरी आइटम्स हो गए हैं, और ये मतलब कुछ भी होता है हम लोग सामने वाले मार्केट से ले लेते हैं। तो यहाँ पे दूर वाला मार्केट आए थे हम लोग, तो आज यहाँ पे तो ये भी आए थे, तो अभी हम लोग यहाँ पे आए देखने के लिए और इस मॉल में भी घूमे और काफ़ी सारी चीज़ जो है हम लोग देखे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसके ऊपर जो है कपड़ों वाला था और बहुत सारे सामान यहाँ पे सारा कुछ मिल रहा था। तो कुछ कुछ सामान अभी हमने यहाँ से लिया, मतलब कपड़ा नहीं लिया, बस वही ग्रोसरी के आइटम्स वो लिए। और फिर यहाँ पे तो यहाँ पे अभी ये देखिए ये फ्रेंच फ्राई यहाँ पे मिल रहा है, ये खुला नहीं मिलता है ना, ना तो पूरा पैकेट मिलेगा ये सब। अच्छा, कम का है, 35 का है ये। कितना ठंडा लग रहा है। तो यहाँ पे अभी ये देखिए सारे चीज़ें हमने लिया है। ये क्या है, यहाँ पे बच्चा बैठता है, तुम बैठ पाएगा यहाँ पे? अच्छा। तो यहाँ पे ये जो खुला वाला दाल था ना,
वो भी हम लोग देख रहे थे। और जो पैकेट वाला दाल था वो काफ़ी ज़्यादा उसका प्राइस था, और ये खुला वाला भी हम लोग यहाँ से लेते हैं। और चीनी का भी प्राइस, ये खुला था ना, सेम चीनी था, जैसे कि पैकेट वाला फट जाता है ना, तो यहाँ पे रखे थे हमने देखा, तो फिर पैकेट वाला काफ़ी ज़्यादा उसका लग रहा था, तो फिर हमने यहाँ से खुला ये दाल और ये चीनी लिया है। और क्योंकि घर में चीनी भी ख़त्म हो गया था, दाल भी ख़त्म हो गया था, तो फिर यहाँ पे हम लोग जो है ले लेते हैं। तो यहाँ से ना ये देखिए इतने सारे सामान जो है ले लिए हम लोग और अभी जा रहे हैं। और केक भी ली थी तो अभी मैं खा रही थी इसको खोल के, उसको को भी खाना है। इसको भी रख देते हैं, मैं पानी पी लूंगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आ गए थे बच्चों का ड्रेस वाला दुकान पे। तो यहाँ पे ना बच्चों के सारे ड्रेस वगैरह मिल जाते हैं। तो गोलू का और मनीषा का मुझे ये मफलर लेना था, क्योंकि उन लोग का मफलर ही चलता है, तो यहाँ पे मैं देख रही थी मफलर। और इसका भी प्राइस ना काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि ड्रेस वाले दुकानों पे ना कुछ ज़्यादा ही, मतलब आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई, कुछ भी चीज़ में ना महंगाई बढ़ गया है। यही चीज़ पिछले साल 100 रुपीज़ में मिलता था ये मफलर, और इस मतलब इस साल ना जैसे कि 150 रुपया हो गया है एक मफलर का। तो ऐसे रेट बढ़ रहा है ना, मतलब मत पूछिए। तो इनकम तो वही है नॉर्मल लोगों का, और जो महंगाई बढ़ रहा है ना बहुत तेज़ी से। और मैंने ये नोटिस किया है जैसे कि यूट्यूब जब से आया है ना, तब से महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, बहुत तेज़ी से। जैसे कि जो चीज़ यूट्यूब से इनकम करके लोग कर सकते हैं ना, कोई भी सरकारी या कोई भी प्राइवेट जॉब से वो चीज़ ना लोग जो है नहीं कर सकते हैं। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, और भी जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं ना उनकी बात कर रही हूँ। 60 रुपये 55 रुपये किलो खरीदारी पड़ा हुआ है। कैसे है भैया? 1 किलो 60 है, 2 किलो 100 है। 1 किलो 60, 2 किलो 100। 2 किलो लीजिएगा 100 रुपये लगेगा। 1 किलो 60 रुपये लगेगा। 50 रुपये लगाइए किलो का। मैडम 55 रुपये की खरीदारी है अनार, यहाँ खाली हम लोग कंपटीशन में बेचा जा रहा है। ठीक है भरी, खाली देख रहे हैं अनार के ठेला कितना है, खाली कंपटीशन में बेचा जा रहा है। 1 किलो 60, 2 किलो 100, 1 किलो। तो यहाँ पे अभी ये देखिए ये फ्रेंच फ्राई को ना ये मैं थोड़ा सा तल रही हूँ, और मैंने इसमें से एक खा के देखी थी, पर इसमें नमक भी नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, फालतू का है। मतलब बस आलू इस तरीके से कट करके और उसमें मतलब ऐसे ही वो रख दिए, थोड़ा सा बॉईल करके, तो ऐसा होता है। इससे अच्छा ना मैं ही बना लेती, मेरे पास वो चॉपर भी था, वो उससे काट सकते थे आलू, मतलब अच्छे से डिजाइन डिजाइन वाला, और ना वो जो है इससे अच्छा लगता। तो यही है मेरा भी फ्रेंच फ्राई बन गया, इसमें मैं काला नमक डाल देती हूँ, और इसमें अभी मैं सब्जी बनाने वाली हूँ। थोड़ा सा तेल जो है इसमें से मैं अभी कम कर देती हूँ। तो अच्छा लगा, पर जैसे ताज़ा हम लोग घर पे बनाते हैं ना फ्रेंच फ्राई, वैसा नहीं लगा। और क्योंकि फ्रिज में रखा रहता है ना, तो काफ़ी लोग इसको पसंद भी करते होंगे, तो मुझे तो उतना अच्छा नहीं लगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो।